पंजाब की डिशेज दुनिया भर में मशहूर है और पंजाब की डिशेज का जो स्वाद है हर व्यक्ति ने ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर चखा होगा। इस वक्त हम लोग चंडीगढ़ में मौजूद हैं और चंडीगढ़ में एक तरह की बुक लॉन्च की गई है मिस्टर विकास जी द्वारा और ये बड़े प्रोफेशनल कुक हैं और आइए आपको पहले इनके पास ले चलते हैं और जो बुक लॉन्च की गई है उसके बारे में जानेंगे कि ये बुक क्या है और ये बुक क्या कहती है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका राष्ट्रीय खबर में। थैंक यू सो मच जी। सर ये बुक जो आपने लॉन्च की है सबसे पहले मैं चाहूँगा ये हमारे दर्शकों को दिखाई जाए कि क्या है ये बुक और क्या नाम दिया गया है इसका। सर इसका नाम है कुक विद मदर, कुक विद पंजाब। तो ये वर्ड्स के पीछे फीलिंग्स क्या हैं कि जब आप खाना बना रहे हो, कुक विद मदर का मतलब ये है कि आपको ये फील होगा कि आप अपनी मदर के साथ खड़े होकर मदर जैसी रेसिपी बना रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि मदर जैसा खाना हमारे रेस्टोरेंट्स में नहीं मिलता। कुक विद पंजाब फिर दूसरा वर्ड वो इसीलिए दिया गया कि जो अब मदर के साथ तो फीलिंग आ गई, अब उसमें फीलिंग्स क्या हैं पंजाब जैसी हैं। तो हमारे पंजाब में जितना खाना मिलता है जो पुराना ट्रेडिशनल साग सरसों का, शलगम का साग, ये जितनी भी पुरानी डिशेज हैं वो सारी इसके अंदर डाली गई हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा टाइम लगाकर बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखा गया है ताकि आप भी अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं लेकिन आपका भी मन करे ये रेसिपी बनाने का तो आप ये बना जाएंगे कोशिश करें। जैसे कि चटोरों के लिए सबसे ज़्यादा ये वीडियो या ये इंटरव्यू जो देख रहे होंगे जो स्वाद के लिए सबसे ज़्यादा इधर उधर भागते हैं, कभी इंदौर जाते हैं खाने के लिए, कभी लखनऊ का जायका लेते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि ये बुक के अंदर ऐसा पिटारा क्या है अगर आप बुक खोलें तो सबसे बेस्ट रेसिपी क्या रहेगी। सर चटोरों के लिए आपने देखा होगा सबसे टॉप पे छोले भटूरे हमारे पंजाब में बड़े फेमस हैं, तो इसमें एक भटूरे और छोले का भी कवर किया गया है और वो वही रेसिपी दी गई है। अगर आप कहीं दिल्ली से लेके इधर जाएंगे तो आप कहेंगे जी हाँ जी हमारे को बाहर जो टेस्ट मिलता है घर पे वो वाले छोले नहीं बनते, तो मैंने वही रेसिपी को इसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है कि आपसे बाजार जैसे छोले बन जाएँ और आसानी से बन जाएँ, ज़्यादा उसमें घुमा फिरा के दिक्कत नहीं दी गई आपको कि आपको डिफ़िकल्टी हो। सर बुक के अंदर रेसिपीज़ की बात की गई है, टोटल कितनी रेसिपीज़ हैं? टोटल 70 रेसिपीज़ हैं। किसकी तरह की? सिर्फ पंजाब की? ज़्यादातर पंजाब की हैं, कुछ इसमें देखो एक तीन तरह की रेसिपीज़ हैं। एक रेसिपीज़ हैं जो मैंने अपने मदर से सीखी हैं और जो हमारे पंजाब में कल्चर में बनती हैं वो हैं। दूसरी रेसिपीज़ वो हैं जैसे मैं किसी के घर गया या किसी के प्रोजेक्ट पे बैठे हैं और हमें खा के एकदम कुछ कहते हैं ना कि हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए वो चीज़ खा के, तो वो चीज़ भी इसके अंदर डाली। जैसे कुछ सिंधी कढ़ी है, हमारे यहाँ पे सिंधी स्वीट्स कितना बड़ा ग्रुप है, उनके घर पे एक बार गया तो उन्होंने मुझे सिंधी कढ़ी टेस्ट कराई और वो इतना डिफरेंट लेवल था। वो सिंधी कढ़ी भी मैंने इसमें इसीलिए डाली कि लोग वो भी बना लें अगर ये बुक चलो इंटरनेशनली या फिर किसी और कोने में जाए, साउथ में जाए या ईस्ट में जाए इंडिया में। सर कोविड के बाद अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के बाद डॉक्टर्स ज़्यादा प्रेफर करते हैं घर का खाओ, मसालेदार चीज़ें ना खाओ, अदरक लहसुन वगैरह यूज़ करो ताकि इम्यूनिटी को ज़्यादा बूस्ट किया जाए, तो बुक के ऊपर हम मदर को ज़्यादा देख रहे हैं क्योंकि सबसे पहला जो अगर कोई देखे तो सबसे पहले मदर को देखता है, तो मदर पालक को सेट कर रहे हैं वो जैसे निकाला जाता है उसमें से, तो आपने ये मदर से भी कुछ सीखा होगा, क्या क्या रेसिपीज़ जो उन्होंने बताई? अच्छा ज़्यादातर उन्होंने बताया है। साथ में मंजीत जी बैठे हैं, अभी कुछ देर पहले एंटर करने से पहले हमें ये पता चला कि आप मेंटोज हैं तो एक अवार्ड भी मिल चुका है आपको, तो सर मैं आपसे जानना चाहूँगा ये बुक क्या है और ऑल ओवर अगर बुक्स की बात की जाए, बहुत सी रेसिपीज़ आई हैं, बहुत सी बुकें आई हैं, तो किस तरह से ये अलग है? देखो ये थोड़ा सा इसलिए अलग है कि लोकल रीजनल फूड के ऊपर जो है और ये जो है वो आइटम्स हैं जो घर में बन सकते हैं और रीजनल फूड स्ट्रीट में भी मिलते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा अलग है। फिर इसमें विकास ने इसको लिखने में थोड़ा सा ज़्यादा सिंपल में लिखा, थोड़ा सा डिटेल में भी मेथड लिखा है सो दैट के लिए, मतलब कई बार रेसिपी बड़ी शॉर्ट लिखी होती है तो वो बहुत एक्सपर्ट जो लोग हैं वो कर लेते हैं उनको बेसिक ना। पर अगर ये बुक ले जाऊं घर और घर इसको पढ़ने के बाद घर में कुछ बनाने की कोशिश करो तो वही टेस्ट आएगा? वो देखो टेस्ट आएगा आपकी बेसिक नॉलेज और प्रैक्टिस कितनी है, लेकिन अब अगर किसी को एक्सप्लेन करते हैं अपनी वाइफ को या मदर जो रोज़ कुक करते हैं, अगर आप कुक नहीं करते हैं तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जो रोज़ कुक करते हैं अगर आप उनको देंगे और बताएंगे हैं तो वो डेफिनेटली इस चीज़ को बना पाएंगे, सेम टेस्ट को अचीव कर लेंगे सर। और क्या खास बात है और एक्स्ट्रा क्या चीज़ है इसमें? एक्स्ट्रा इसमें देखिए अब डेजर्ट्स मीठा जो होता है
अब मीठे में हमने चीनी का कम से कम, गुड़ का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें, आप चाय भी देखेंगे गुड़ की चाय का एक इसमें मेथड बताया गया कैसे बनानी है। लाने की कोशिश की गई है ट्रेडिशनल चीजें जितनी भी, सर भी यही कोशिश कर रहे हैं, हमारी भी सर को फॉलो करके यही कोशिश है कि हम पुराना कल्चर लेकर आए जिससे लोग हेल्दी रहते थे। आप चीनी खाकर हेल्दी नहीं रह सकते, आप गुड़ खा के हेल्दी रह सकते हैं। जितनी चीनी आप दिन में खाते हो 2-3-4 चम्मच, उतना ही अगर गुड़ खा लेंगे आपको 1% भी कोई उसका नुकसान नहीं होने वाला है। तो इसमें जो मीठा भी है, कुछ चीज़ें गुड़ की चाय मैंने बोली, एक इवन केक है इसमें, एक ब्राउनी लोगों को खाने का बड़ा शौक है तो आटे और गुड़ के साथ ब्राउनी बनाई गई है, तो आप बना सकते हैं इजीली, कुछ नहीं है उसके अंदर। वेरी हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या डिशेज रखी गई हैं? मैं तो ये बोलूँगा पूरी बुक ही हेल्थ के रिलेटेड है। नहीं, हेल्थ रिलेटेड का मतलब जो है वो ये नहीं है कि उबला हुआ खाना। हेल्दी फूड पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है टेस्टी होना चाहिए। अगर वो टेस्टी नहीं है तो वो ना तो पेट में जाएगा ना वो डाइजेस्ट होगा। अगर वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो हेल्दी है ही नहीं, चाहे आप दवाई खा लो वो हेल्दी नहीं हो सकता। खाना हेल्दी ही होता है, वो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन और आपकी इतनी समझ है बनाने की वो उसको हेल्दी बनाती है। तो अगर आप अच्छे कुक हैं या आप समझते हैं अच्छा खाने को, जाए अगर आप हर चीज़ मात्रा में सही इस्तेमाल करते हैं तो वो हेल्दी है। अगर आप ये है कि आप रेस्टोरेंटों को देख के या प्रोफेशनल शेफ्स को देख के आप समझते हो कि घी बहुत होगा या तेल बहुत होगा, तो जितना देसी घी बहुत बढ़िया अच्छी चीज़, घी बहुत है सेहतमंद चीज़ है, लेकिन एक्सेस में ख़राब है, एक्सेस में ख़राब है। तो वो जो होता क्या है, जिन कुक्स को भी या शेफ्स को इग्नोरेंस इतनी नॉलेज समझ नहीं है, तो वो ये कि घी ज़्यादा डाल दो खाना आराम से बन जाता है, उसको ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही बनता रहता है, सड़ता नहीं, जलता नहीं, कुछ नहीं होता। अगर घी कम है जैसे घर में होना है, वो अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं उतना डालते हैं, लेकिन खाने को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बार बार चेक करना पड़ता है उसमें नीचे ना लग जाए ये ना हो, तो वो खाना वो हेल्दी है। खाना हेल्दी खाना जो है वो बॉडी माइंड और सोल के लिए तीनों के लिए चाहिए, अदरवाइज ये हेल्दी कैलोरी वैलोरी काउंट करने से हेल्दी नहीं होता है खाना। जो भी चीज़ आप पर्याप्त मात्रा में खाते हैं जैसे कि सर का कहना है वो हेल्दी होता है, एक्सेस किसी भी चीज़ को लेना वो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। और अगर हम बुक की बात करें तो जिस तरह से बुक लिखी गई है, सब बुक के अंदर बताया गया कि 70 तरह की डिशीज़ हैं और लमसम पंजाब की ही डिशीज़ है जिसको आगे बढ़ाया गया, और ऐसी डिशीज़ जो बुक पढ़ने के बाद आप घर पर भी बना सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देख सकें और घर पर अच्छे से अच्छा खाना बनाकर खुद ही खा सकें। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ राहुल तिवारी, राष्ट्रीय खबर।